हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और आप देख रहे हैं सुपर टूल्स का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे मैं रोज़ाना नए नए वीडियोस लाता रहता हूँ आपके लिए। ये वीडियोस होते हैं स्पेसिफिकली टूल्स के बारे में जो कि आपको मोबाइल, टैबलेट या फीचर फ़ोन को मैनेज करने में मदद करते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फर्मवेयर फाइंडर वर्जन 2.12.17.2, जो कि आपको हेल्प करता है हुवाई का फर्मवेयर फाइंड करने में। तो इस टूल को मैंने डाउनलोड किया है firmwarecare.com वेबसाइट से। इस टूल का जो प्रीवियस वर्ज़न है वो था 2.12.16.1। आपको इन दोनों टूल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ये टूल डाउनलोड कर लीजिए। जब एक बार टूल आपने डाउनलोड कर लिया है तो मैं आपको फिर बताऊँगा कि कैसे इसको एक्सट्रैक्ट करना है और कैसे इसको यूज़ करना है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि टूल को मैंने अपने कंप्यूटर में पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, और इस दौरान मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने भी ये टूल डाउनलोड कर लिया होगा अपने कंप्यूटर में। कहीं भी डाउनलोड कर लीजिए, या तो डाउनलोड फोल्डर में कर लीजिए या मतलब डेस्कटॉप पे कर लीजिए, जहाँ भी आपको मतलब कि फिजिबल लगे, ठीक है। तो आप जैसा देख सकते हैं कि ये टूल एक जिप फॉर्मेट में आया है। तो इस जिप फॉर्मेट को सबसे पहले हमें अपने कंप्यूटर में एक्सट्रैक्ट करना होगा। एक्सट्रैक्ट करने के लिए जिप के ऊपर जाइए और राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर सिलेक्ट कर दीजिए। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहली बात है कि आपको पता होना चाहिए कि एक प्रोग्राम आता है, विनरार और विनजिप आता है। ये दोनों टूल एक कंप्यूटर यूजर्स के लिए तो मस्ट होना चाहिए, मतलब उनके पास होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये बड़ा हेल्पफुल है अगर आप टूल डाउनलोड कर रहे हैं या मतलब कुछ भी कर रहे हैं, मतलब ठीक है, क्योंकि आज कंडीशन ये है नेट पे कि अगर कोई बंदा या ठीक है बंदी ठीक है ढेर सारे फाइल्स एक साथ कंबाइंड फोल्डर शेयर करना चाहता है नेट पे, ठीक है, तो वो एक जिप करता है, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल फाइल अगर आप सेंड करो बहुत मुश्किल होता है। तो जिप फॉर्मेट में आसानी से मतलब कि फ़ाइल आप शेयर कर सकते हैं, और ये अधिकतर मतलब कि मोस्ट ऑफ द जो होस्टिंग है, फाइल होस्टिंग वेबसाइट्स है, वो सपोर्ट करते हैं। तो ये थी नॉलेज मतलब जिप के बारे में। तो आप अगर आपको ये मतलब कि पता है पहले से तो आप इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि टूल मेरा एक्सट्रैक्ट हो चुका है कंप्यूटर में। तो इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ। तो फोल्डर के अंदर मुझे कुल 4 फाइल्स दिख रही हैं। तो मुझे अब ओपन करना है फर्मवेयर फाइंडर डॉट ई एक्स ई फाइल को, क्योंकि यही फाइल इस टूल को रन करेगा। हमेशा एक exe फाइल या msi फाइल विंडोज़ कंप्यूटर में अगर आप ओपन करते हैं ना, तो वो एक तरह से प्रोग्राम फाइल होता है, ठीक है, वही पूरे टूल को रन कर सकता है, ठीक है। या exe फाइल एक सेटअप फाइल हो सकता है, या msi भी मतलब एक सेटअप फाइल भी हो सकता है। यहाँ पे जो टूल है ये एक पोर्टेबल टूल है, मतलब कि आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं इस टूल को। तो क्योंकि बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनको इंस्टॉल करना पड़ता है तभी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप टूल के मामले में ना, मतलब जो छोटे छोटे टूल्स आते हैं तो वो पोर्टेबल ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं कि बस परेशान करने के लिए आपको, कि हाँ उसका सेटअप बना दिया और मतलब वो चाहते हैं कि परमानेंट उनका जो लोकेशन हो आपके कंप्यूटर में बन जाए, ठीक है। आप भले उसे यूज़ करें ना करें वो बात की बात है, पर वो चाहते हैं कुछ लोग, ठीक है, कि उसका सेटअप बना के आपको दे दिया जाए। पर मेरे हिसाब से जो मुझे जो सही लगता है कि एक पोर्टेबल एप्लीकेशन ही ज़्यादा बेहतर है इस मतलब कि अगर मोबाइल के फील्ड में, ठीक है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि इस फोल्डर के अंदर 4 फाइल्स हैं और मैंने इस फाइल को ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए जस्ट इसके ऊपर जाके क्लिक कर देता हूं डबल, और मेरे सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो टूल हमारे सामने खुल के आ गया है। तो अभी देख सकते हैं कि जो फ्रंट स्क्रीन है इस टूल का कुछ इस तरह से है। यहाँ पे अपडेट्स भी है, ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह उनका कॉलम है जिन्होंने ये टूल बनाया है, कि हुवाई का कुछ भी अपडेट आता है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इस टूल का जो चेंज लॉग है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आप जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्मवेयर केयर पे आपको वर्ज़न 2.12.161 मिल जाएगा, तो उसके बाद भी कंपनी ने मतलब कि नए अपडेट्स डाले थे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो ये वाला वर्ज़न है वही इस टूल का प्रीवियस वर्ज़न है।
ये प्रीवियस वर्जन है, अगर आप चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे हमेशा नया लेटेस्ट ही वर्जन ट्राई करते हैं लोग, पर कुछ लोगों के कंप्यूटर में दिक्कत ये होती है कि लेटेस्ट वर्जन चल नहीं पाता, ठीक है। तो उस सिचुएशन में कभी कभी हमें बड़ा हेल्प करता है कि पुराने वर्जन अगर मिल जाए हमें कहीं से भी, तो क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टूल्स में ना अपडेट्स ऐसे आ जाते हैं जो बड़े अनॉइंग से होते हैं, परेशान करने के लिए हो जाते हैं, ठीक है। तो उस केस में हमें प्रीवियस वर्जन या पुराने वर्जन यूज़ करना मतलब कि अच्छा लगता है, ठीक है। तो टूल हमारे सामने खुल चुका है, प्रीव्यू पेज में आपने ये सब देख ही लिया है, चेंज लॉग वगैरह और अपडेट्स वगैरह। टूल का जो डेवलपर है उन्होंने यहाँ पे कॉलम अपना बनाया हुआ है। तो अगर मैं मेन पेज पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्च सेटिंग है, और यहाँ पे आप रेंज वगैरह आप सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे एक सेटअप का कुछ रेंज है, मतलब कि इस बटन की मदद से आप रेंज सेट कर सकते हैं। और सेम ये जी रेंज के अंदर है, और जी रेंज का दो कॉलम पता नहीं क्यों है, मुझे नहीं पता। बाकी का आप देख सकते हैं, पुराने वर्जन में भी था यही इशू, ठीक है, जी रेंज वाला, ठीक है। तो शायद इसे फिक्स कर देना चाहिए था, पर अगर एक ही कॉलम में सेम चीज़ें हो जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। शायद मैं इस टूल को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ या जो भी है, ठीक है, कि इन्होंने दो बार क्यों बनाया। तो जो भी है, वी रेंज में आप यहाँ पे पहले से सेट दिया हुआ है, यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है। एफ रेंज में भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, पर यहाँ पे जो सेटिंग का बटन है इन दोनों में नहीं है। और उसके बाद है यहाँ पे ऐड टू सर्च मैनेजर, इस कुछ भी आप करके चेंजेस आप सर्च मैनेजर में ऐड कर सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे हुआई के मॉडल्स को ये टूल सपोर्ट करता है, मतलब कि इनमें से आप किसी भी मॉडल का फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसे डाउनलोड करना है अभी हम बता ही देता हूँ मैं। तो मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे मैं ये वर्जन, चलो मैं चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने चूज़ कर लिया है, और अगर मैं इसको ऐड टू सर्च मैनेजर करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्च हो गया है, यहाँ पे मैनेजर में ऐड हो चुका है। तो उसके बाद मैं देखता हूँ कि क्या करना है, बाकी सर्च मैनेजर में तो आ गया है, तो इसको मैं या तो डिलीट का है या क्लियर का ऑप्शन है यहाँ पे। तो फिर देखते हैं, अगर मैं सर्च फर्मवेयर पे जाता हूँ तो यहाँ भी कुछ क्लियर मुझे समझ नहीं आ रहा। कॉमन बेस में तो आप जितने सारे नए फाइल्स आते हैं रेगुलरली उनके बारे में आप देख सकते हैं कि उनका लिंक दिया हुआ है, फाइल लिंक वगैरह, और चेंज लॉग है यहाँ पे। तो यहाँ पे सेटिंग्स है, यहाँ पे स्टॉप सर्च है, यहाँ पे पॉज सर्च है, यहाँ पे स्टार्ट सर्च। हाँ, तो शायद यही था ऑप्शन। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया मॉडल और सर्च मैनेजर में मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो यहाँ पे आ गया ये लिस्ट। अब मैं यहाँ से स्टार्ट सर्च करता हूँ, तो कायदे से जो मैंने अभी सिलेक्ट किया था मॉडल उसका फाइल्स मुझे यहाँ पे शो होना चाहिए। देखते हैं कि शो होता है या नहीं होता है। कुछ प्रोसेस यहाँ पे चल रहा ज़रूर है, शायद सर्च होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। जब एक बार सर्च पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो जो फाउंड फर्मवेयर के अंदर कुछ दिखने चाहिए कि कितने फर्मवेयर इस मॉडल के लिए अवेलेबल हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने अभी सही बोला है, यहाँ पे देख सकते हैं कि OTA फर्मवेयर है, OTA है। तो हमें अभी कुल 3 फाइल्स मिले हैं हमारे मॉडल के लिए, तो शायद ये वाला फुल फर्मवेयर मिल रहा है। तो इसको अगर मैं डाउनलोड करना चाहूँ तो मुझे बस, चलो अगर मैं इस पे फाइल लिस्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे सामने कुछ लिंक आ गया है, डायरेक्ट लिंक है जो कि, और यहाँ से मैं इनको कॉपी करके डाउनलोड कर सकता हूँ। तो चलो अगर मैं ये लिंक कॉपी करता हूँ, ठीक है, कॉपी कर दिया मैंने इसको, और यहाँ पे एक डाउनलोड मैनेजर भी है ये वाला बटन, इस पर मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे जो लिंक मैंने भी कॉपी किया था पेस्ट कर देता हूँ और प्लस बटन। तो जैसा आप देख सकते हैं कि फर्मवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। अब कहाँ पे डाउनलोड हो रहा है ये तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, शायद इसी फोल्डर के अंदर हो रहा होगा। तो देखते हैं, यहाँ पे अभी तो आ नहीं रहा है कि लेटेस्ट, शायद एक बार डाउनलोड हो जाए तो शायद इसी फोल्डर में आएगा, देखते हैं क्या होता है। बाकी थोड़ा वक्त लग सकता है, आपके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितनी तेज़ी से मतलब कि डाउनलोड करेगा ये। बेसिकली आप जैसे कि इसको मैं, चलो मिनिमाइज़ कर देता हूँ, आप कभी भी ये खोल सकते हैं डाउनलोड मैनेजर में,
ठीक है, अभी तो खुला था ये रहा, इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ये आप कभी भी खोल सकते हैं यहाँ से, ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अच्छा टूल है हुआई के लिए, हुआई के यूज़र्स है अगर हैं आप तो आपके लिए बहुत परफेक्ट टूल है फर्मवेयर डाउनलोड करने के लिए। वो भी ऑफिशियल है, ऑफिशियल सर्वर से डाउनलोड होगा हुआई के, तो स्पीड का कोई पंगा वगैरह कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपको दिखाई देता हूँ कि जो दूसरा फुल फर्मवेयर है, तो फाइल लिस्ट पे जाएंगे तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लिंक है वेबसाइट का, तो ये कुछ CDN का वेबसाइट है, मुझे नहीं पता कि किसका वेबसाइट है, पर जो भी है ये फाइल सब कुछ ओरिजिनल है। तो बाकी का मुझे तो लगता है कायदे से कि ये हुआई का ही वेबसाइट है और वहीं से आप डायरेक्टली ये फर्मवेयर डाउनलोड कर रहे हैं। मे भी शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर देखते हैं क्या जाता है। तो इसको मैं कट कर रहा हूँ और देखते हैं हमारा फर्मवेयर का प्रोसेस कितना हुआ। तो देख सकते हो आप लगभग पूरा होने वाला है, और जब एक बार पूरा हो जाएगा तो देखना पड़ेगा कि कहाँ पे डाउनलोड हुआ है। तो शायद आप देख सकते हैं जैसे कि फ़ाइल का नेम update.zip है, तो यहीं पे हो रहा है, सही है, मतलब कि इसी फोल्डर के अंदर हमारा ये फाइल हो गया। आप देख सकते हैं कि डाउनलोड फिनिश हो गया और इस फाइल का साइज़ लगभग एक्चुअल हो गया है, वो है 1.29 GB का है। तो इसको मैं कट कर रहा हूँ अभी और इसको मैं डाउनलोड मैनेजर को बंद कर दे रहा हूँ। तो इसको मैं अगर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको मिला एक OTA फाइल। तो मुझे लगा था शायद नाम के हिसाब से ये एक फुल फर्मवेयर होगा, ठीक है, कि मतलब कि फुल फर्मवेयर के अंदर ये होता है कि आप मतलब कि आपका फ़ोन अगर डेड होता है उस सिचुएशन में भी आप उस फर्मवेयर को फ्लैश कर पाते हैं। मतलब कि एक तरह से जो फुल फर्मवेयर होता है वो एक फास्ट बूट बेस्ड फर्मवेयर होता है, उसको मतलब कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका फ़ोन डेड है या कुछ भी है, वो बस जैसे ही आप फ्लैश करते हैं अपने फ़ोन में तो आपका फ़ोन चालू हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टूल आप ट्राई करना चाहते होंगे और आपको वीडियो भी पसंद आया होगा, काफ़ी आराम से बनाया है इस बार, ठीक है। तो चलिए, तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए बड़ा अच्छा सा है यूट्यूब पे फंडा, ठीक है, तो हमारे चैनल का जो पेज है वहाँ पे आपको कहीं भी लाल बटन ये दिखेगा ना सब्सक्राइब वाला, इस पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाएंगे, और जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ उसके बगल में एक घंटी वाला आइकॉन बन जाएगा, उस पे क्लिक करेंगे तो जब भी मैं कोई वीडियो आपसे शेयर करूँगा तो आपके ब्राउज़र में नोटिफिकेशन मिल जाएगा या यूट्यूब पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्ते।